भैया देखो काजू कतली है, छोटी छोटी श्रिंक हो गई है ना भैया। देखो बाहर कैसे कूड़ा रख रखा है इन्होंने। और मेरे को ना घर वालों की बहुत ज्यादा याद आ रही है भैया अपने, पता नहीं क्यों। ये क्या है? हमारी दिवाली है। चेरी दीदी की शादी पे आ गए। चेरी दीदी एक बार सारे तेज से चिल्ला दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। रुको सारे ब्लर हो गए, रुको फिर से, रुको फिर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, चैनल तुषार। तो भाई हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आज दिवाली है ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ पे भी मतलब एक ही डेट होती है। ओहो यहाँ पे मैंने लगा दिया देखो तुषार ब्रजट ये YouTube/, और एक मैंने यहाँ लगा दिया ठीक है। ये सेक्सी लग रहा है ना, ये वाला तो मुझे अजीब सा लग रहा है, ये मैंने गलत लगा दिया, मुझे यहाँ लगाना चाहिए था ठीक है शीशे पे, बट गलती से यहाँ लग चुका है, बट कोई बात नहीं। अगर आप लोग देखते हो सिडनी में कि भाई इस गार्ड जा रही है लिखा हुआ है, तो हाय हेलो बोलो ठीक है। अगर सेफ रुकने की जगह तो रुक के मिल लेंगे। मैंने कहा कि सारे यूट्यूबर करते हैं ना, सब लोग बाइक पे लगाते हैं अपने कहीं बैग वगैरह पे, हर जगह ना थोड़ा बहुत लोग करते हैं प्रमोट। मैं तो कुछ एफर्ट ही नहीं करता था अपने यूट्यूब चैनल को लेके, इतने पिछले कुछ टाइम से मैंने इतने कम वीडियोज डाले क्योंकि भाई काम में से इतना ज्यादा बिजी हो रखे हैं, बट कोई नहीं अभी धीरे धीरे करते रहेंगे। आपको पता है मैं बोलता हूं ऐसे, मेरे से होता नहीं है, बट विल डेफिनेटली डू। और जब हम लोग नई सिटी में मूव हो जाएंगे तो दबा के फिर और यूट्यूब वीडियोज करेंगे। आज का क्या प्लान है? आज भाई दिवाली है जैसे आप लोगों को पता है, तो आज हमारे यहाँ पे तो हमने लड़िया वड़िया लगा दी, रात को दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। चाचा ने लगाई, मैंने नहीं लगाई ठीक है। तो हाँ आज का क्या प्लान है, अभी हम लोगों को करनी है उबर, क्योंकि यहाँ पे भाई दिवाली की छुट्टी नहीं होती ठीक है। सब लोग काम पे जाते हैं, सब लोग काम करते हैं, और शाम को सब लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, डिनर होता है, और अगर पटाखे वटाखे फोड़ना तो यहाँ पे अलाउड नहीं होते, बट ठीक है फुलझड़ी वगैरह थोड़ी बहुत चल जाती है, तो वो सब हम लोग करेंगे। अभी हम लोग करेंगे उबर, तो 11 से 4 हम लोग करेंगे उबर, 4 से 5 जिम, फिर 5-5:30 बजे घर पे सारे लोग होंगे, तो हम लोग पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे गुरुद्वारे, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। तो बहुत बड़ा सा ऐसे पूरा प्रोग्राम बना रखे पूरे दिन का। आई होप एवरीथिंग गोज वेल, और बन रही चैनल पर टिक रही है। 3 लाख के बहुत ज्यादा नजदीक हम होंगे नहीं मुझे पता है, बट फिर भी क्या पता भाई। हम मेरा नाम तुषार, मैं सिडनी में रहता हूँ, और मैं कर रहा हूँ मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। भाई मैं पहले डिलीवरी लेने आया और बारिश हो रही है ठीक है इतनी तेज, पहले तो मेरे को पार्किंग नहीं मिली 15 मिनट। और मेरा ना रूल है, अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर का ऑर्डर आया है, रेस्टोरेंट का ऑर्डर आया, तो मैं 2 गेड़े से ज्यादा नहीं लगाता उस एरिया में। पार्किंग मिले ठीक है, नहीं मिले तो कैंसिल। अभी मैंने इस लेडी की डिलीवरी करी, मैंने बोला कि भाई मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि इसने अपना अपार्टमेंट का नंबर दिया था, मतलब अपार्टमेंट का एड्रेस दिया था, नंबर नहीं दिया था यूनिट का। मैंने कहा कि आई एम आउटसाइड योर बिल्डिंग, अपना यूनिट नंबर बता। सॉरी आई एम नॉट देयर। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट मी टू डू देन, तो बोलती ओह यू कॉलिंग फ्रॉम ओवर ईट्स। मैंने कहा यस यस यस। फिर बोलती कि ठीक है मैं आ रही हूँ, मतलब भाई क्या चाहती थी पता नहीं, पहले मना करती कि मैं नहीं हूँ, फिर कहती हाँ मैं आ रही हूँ। अपनी दिवाली भी बारिश में ही शुरू हुई है, और अगर मैं रूल बता दूं, बाहर मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है ठीक है, ऑप्शनल है, पर मैं काम कर रहा हूँ उबर कर रहा हूँ, तो मैं हर टाइम मास्क पहन के रखता हूँ, जब भी कस्टमर के पास जाऊँ या रेस्टोरेंट में जाऊँ। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह में ऑर्डर देते टाइम मतलब ये समझ जाओ कि पब्लिक एरिया, पब्लिक एरिया में घूम सकते हो बिना मास्क के, और बाकी सारी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी है। मेन मेन जो अपने को चाहिए, पीछे देख रही थी आंटी क्या कर रहा है। थैंक यू। तो जी चार टाइम है ना, ये मेरा फेवरेट है। चार टाइम पे ना जैसे अपनी चाय आती है ना इंडिया वाली, इसको ये ठंडे में करके देते हैं, और उसके अंदर पर्ल बॉल्स होती हैं ठीक है, वो बहुत टेस्टी लगती है मेरे को। भैया देखो बाहर कैसे कूड़ा रख रखा है इन्होंने, पूरा उधर भी है, आगे पूरी गली ने सजा रखा है यहाँ पे, और उधर पीछे तक है वहां तक। यहाँ पे ना जैसे आपको अगर कोई आपका सामान यूज का नहीं है तो लोग बाहर रख देते हैं, पर ये तो सारा कूड़ा रखा हुआ है, वो है ये मास क्लीनिंग, पता नहीं कुछ और बोलते हैं इसको। तो साल में 1 बार या 2 बार ऐसे ट्रक आता है, जितना भी आपका घर का सामान है जो आपको नहीं चाहिए बकवास है वो बाहर रख देते हैं लोग रोड पे, तो ऐसे सजा रखा है इन्होंने सारा। और मेरे पास छाता है, मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि खोलो बंद करो बैठो खोलो, ज्यादा तेज बारिश होगी तो यूज करेंगे। ये भाई को इसके अंदर आया, इसने यहाँ पार्क कर दी, पर गलत पार्क करी है, देखो लाइन पे है भाई। बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, मैंने ले ली ठीक है गेटोरेड वाटरमेलन फ्लेवर वाली, मैंने ट्राई नहीं करी, पानी जैसे दिखती है, पता नहीं इसके अंदर क्या टॉनिक मिला रखे हैं इन लोगों ने। और मैं आजकल जिम वगैरह भी कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा हेल्दी खा रहा हूँ ठीक है। मीठा मैंने मीठा खा मना नहीं करता मैं कभी मीठे को, बट थोड़ा कम अवॉइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पेट कम करना भाई। किसी ने ना मेरे को एक बार कमेंट कर दिया था कि तुषार भाई आप हो 23 साल के पर आप लगते 30-40 साल के हो। मैंने कहा ठीक है आई टेक दिस थिंग सीरियस, वैसे मैं इतनी सीरियस कभी कमेंट लेता नहीं हूँ, पर वो कमेंट मेरे दिल को लग गया था। मैंने कहा भाई अब तो ऐप निकाल के दिखाएगा लड़का, अब तो रेगुलर जिम जाते हैं, आज बारिश हो रही उबर करके फिर जिम जाएंगे। कल भी मैंने 6-7 घंटे उबर करी थी और मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी क्योंकि कम सोया था मैं, फिर भी उसके बाद मैं जिम गया था लाइक अ गुड बॉय। तो आज भी जाएंगे हम लोग, और अभी डिलीवरी आई है, इस डिलीवरी का एड्रेस है CHUTER एवेन्यू, जो समझना है समझ।
भाई बारिश में ना फिसलने का बहुत डर रहता है, किसी घर में जो मार्बल होता है ना मेरी बहुत फटती है, ऐसे स्लिप हो गया ना सिर वेर फट जाएगा, दिवाली वाले दिन मेरा ही पटाखा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत स्लो जाता हूँ। ऐसे तो कुदक कुदक के जा रहा था क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास अच्छी ग्रिप है मेरे जूतों में, ठीक है, बट वो मार्बल पे फट जाती है, मेरी जूतों का कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ से प्लेन भी दिखते हैं, आपको दिख रहे हैं? अभी नहीं दिख रहे, वैसे दिखते हैं। भाई अभी मैं डिलीवरी करने आया हूँ, किसी ने 6 लीटर दूध मंगाया, 6 लीटर क्या करेगी भाई इतना, 4 घंटे करीबन आया अभी और मेरे बन गए हैं $110, ठीक है। बुरी हालत हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, सुसु बहुत ज़्यादा आ रहा है। टाइम कितना हो गया? 3:44 हो गए हैं। 1 घंटा और उबर करूँगा, मतलब 4:30 तक, फिर घर जाके जिम, पता ही आगे कर लें आपको तो। इंडिया में होते सारे दोस्तों से मिलते, फैमिली के साथ होते, गिफ्ट देने जाते, गिफ्ट हमारे पास आते, कितना हैपनिंग रहता है भाई। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अभी तक तो। लास्ट ईयर भी मैंने दिवाली यहीं मनाई थी ऑस्ट्रेलिया में, और मैं उस दिन भी शाम को डिलीवरीज ही कर रहा था, मतलब शाम को मेरी शिफ्ट थी डोमिनोज की, तो मैं कुछ सेलिब्रेट ही नहीं कर पाया। और न्यू ईयर पे भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज होती हैं और लोग शिफ्टें अपनी छोड़ते नहीं है क्योंकि डबल पे मिलती है, तो हमारा न्यू ईयर भी ऐसे ही गया था। तो यही है भाई ज़िंदगी, कुछ नॉर्मल सी है, कुछ ज़्यादा खास करके है नहीं। बाकी सेलिब्रेशन आज तो मुझे लग रहा है होएगी थोड़ी बहुत, लास्ट टाइम तो भी नहीं कोई, अच्छा ब्रेक नहीं नीचे करी, सॉरी, तो लास्ट टाइम भी ऐसी सेलिब्रेशन थी, नहीं तो बोल दिया मैंने, छोड़ो ज़्यादा ही हो रहा है, इमोशनल कर रहा हूँ आपको। भाई मैं करने आ गया हूँ लास्ट डिलीवरी, ठीक है, इसके बाद जाएंगे घर, और जिम वाली हालत तो मेरी होनी रही, वैसे 2 वीक हुए हैं स्टार्ट करे हुए, पहले वीक में 3 दिन गया और दूसरे वीक में गया 2 दिन, मतलब ट्यूसडे और वेंसडे थर्सडे, अब मेरा मन सा नहीं हो रहा, तो देखते हैं क्या करना है, पेट भी कम करना है। और भाई की बात हमेशा मेरे को याद रहती है कि भाई तुम मोटे हो गए हो, अपनी ऐसे ज़्यादा बड़े लगते हो, अब नहीं लगेंगे, थोड़ा टाइम दो मेरे को, आई गेट बैक टू माई शेप। ये बच्चा ऐसे क्यों टांगे बना के होता है, ऐसे ही रहता है हमेशा, और आदमियों की टांगे बिल्कुल सीधी हैं, ऐसे इसमें जाना है। आम अच्छे लग रहे हैं इसमें। फाइनली योर बॉयज होम, और अभी तक बारिश नहीं रुकी, सुबह से ड्रिजलिंग हो रही है। वही फाइनली नहा धो लिया गया है, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना एथनिक वेयर नहीं है, ना कुर्ता है ना पजामा है, तो मैं टी शर्ट पैंट में रहूँगा। मुझे लग रहा है सब लोग तैयार हो रहे हैं मेरे अलावा, मतलब मैं भी तैयार ही हो गया हूँ, बट मेरे पास ये और पिंपल देख रहे हो कितना गंदा आ गया, कोई नहीं भाई, आई एम अ ह्यूमन एज वेल, ब्लॉगर है तो क्या, वो पिंपल नहीं आते हमको, सबको आते हैं। हेलो अच्छी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप क्या कर रहे हो? रेडी कर रही हूं। सारा कुछ रेडी हो रहा है, मंदिर हमारा तो है ही। हैप्पी दिवाली ट्रैविस। हैप्पी दिवाली। किदा ट्रैविस किदा? खाना खुना खा के बैठे, डिनर करके अपना खत्म। हैप्पी दिवाली ट्रैविस। भैया देखो काजू कतली आई छोटी छोटी, श्रिंक हो गई है ना, अभी सारी मिठाइयाँ निकाल रहे हैं हम लोग, फिर शुरू कर देंगे खाना। नहीं पहले पूजा करेंगे। पूजा करेंगे मेरा। मेरे भी सबने एथनिक पहना हुआ है ना, तो मेरे भी चुल्लो हो रही है। मैंने साहिल भाई बोला भैया आप अपना वो ले आना, कोई कुर्ता पजामा पड़ा होगा एक्स्ट्रा, तो क्योंकि हम दोनों मोटे हैं ना, हमको सेम साइज आ जाता है। और मेरे को ना घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है भाई अपने, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमेशा दिवाली हम लोगों ने साथ मनाई है, और ये 2 साल हो चुके हैं मैं घर से बाहर हूँ अपने, तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है भाई, क्या करें हम। अभी मैं मोली लेने जा रहा हूँ, हाथ में बांधते हैं ना चाची ने बोला लेके आनी है, तो बस वहीं जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं उदास उदास हूँ, बट कोई नहीं, वीडियो कॉल कर लेंगे, और जब इंडिया जाएंगे तो अच्छे से मिलेंगे। इसको बोलते हैं मूली, आज पता चला मेरे को, ये लेना था और ये मिला $1.90, कितने का आता है इंडिया में पता नहीं, मैंने कभी खरीदा नहीं। हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग? शादी में, शादी लग रही है मेरे को तो आज। चेरी दीदी की शादी पे आए। चेरी दीदी। सारे तैयार हो गए आप लोग। हेलो सर, हैप्पी दिवाली। ओ ट्रैविस भी बैठा है। ये ले ट्रैविस, कभी जगह नहीं बची, वो देखो ट्रैविस तैयार नहीं हुआ तू, हर साल पूजा में बैठा है, हर साल टिक्का लगाते हैं, हर साल उसको मोली बांधते हैं, फिर प्रसाद खाता है, कुछ नहीं कर ट्रैविस। हेलो हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सेकंड है ना दिवाली आप लोगों के साथ? या वेरी नाइस। पहली में मैं नहीं था, तो भी पूजा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे पूजा के बाद? गुरुद्वारा। उसके बाद गुरुद्वारा, हाँ पता ही आप लोगों को, प्लान बताया दिया उन्होंने सुबह।
एक बार सारे तेज से चिल्ला दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। रुको सारे ब्लर हो गए, रुको फिर से, रुको फिर। हाँ अब बोलो फिर से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कैमरा है ना, से ब्लर हो जाता है कभी 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 नहीं हमेशा। ये कहाँ ले आए, कैसीनो? कैसीनो नहीं है, लेट्स गो। भैया साहिल भैया गुरुद्वारे के नाम पे यहाँ ले आए हैं कैसीनो। चाची आर यू रेडी? कैसीनो ले आए भैया, आपकी फेवरेट जगह है। पीछे नहीं नहीं क्या कह रहे हो आप भैया, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैसीनो को पार करके गुरुद्वारा। आपको दिखी गया होगा ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज्यादा गैम्बलिंग पॉपुलर है, इसलिए मैं उसमें फंस गया था। सारे लोग फंसते हैं, बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग आए गुरुद्वारा, ये रहा रिवर्स भी गुरुद्वारा। अंकल ने कहाँ पार्क कर दी? स्पेशल पार्क। ये तो वो क्या लग रहा है, मोबाइल स्पीड कैमरा। ऐसे खड़े होते हैं भाई मोबाइल स्पीड कैमरा हमेशा। कोहरा ही कोहरा हो रहा है इधर तो। हेलो, हैप्पी दिवाली। सारे पास यहाँ तो कोहरा ही कोहरा हो रहा है। आपने हील्स क्यों पहनी पजामे के नीचे? नूर भाभी आप आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग क्यों दे दी उन्होंने? उनको पता है भाई को क्या, टू कॉम्पेंसेट। नहीं टू कॉम्पेंसेट। ज्यादा बड़ी नहीं है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग। ये थोड़े दूर खड़े हो, डर लग। आशीर्वाद दे रहा हूँ तेरे को मैं। तो भाई हम सारे लोग घर आ गए थे, ठीक है। ये भैया डेंटिस्ट है तो ऐसे करते, प्रमोशन करते रहते ऐसे करते। कोलगेट स्माइल। आजो सारे गौरव आजो। तो ये हमारी छोटी सी दिवाली, आप आ रहे हो? नहीं आ रहे? ये हमारे वीरे ने, ये हमारी छोटी सी, दिख नहीं रहे दो लोग। हाँ ये हमारी छोटी सी दिवाली थी, हम लोगों ने, हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में। बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। बड़े भी करते हैं कभी कभी। तो सुबह सारे लोग काम करते हैं, शाम को सारे लोग। क्या हो रहा है भाई पीछे, ये देखना। ये क्या है? हमारी दिवाली है। लुक लाइक एन एस्ट्रोनॉट। तो हाँ ऐसी होती है हमारी दिवाली। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ऐसे ही सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम लव फ्रॉम सिडनी, वॉइस फ्रॉम इंडिया, चैरिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। चलो बाय करना है, बाय कर दो एक बार, ऐसे ऐसे हाथ हिला दो कैमरा। बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, को पेटा खिला दो। पेटा नहीं खाना, पेट खराब है। पेड़ा खा लिया इसने। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरी तरह डाइटिंग कर रहे हैं। डाइटिंग की स्पेलिंग भी आती है तेरे को? हाँ क्या है डाइटिंग की स्पेलिंग? चलो नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। ओके बाय। क्या खुश हो रहे अपने आप को देखकर? छोटी छोटी भाई, छोटी छोटी नहीं, बस तेरे को यही घुमाना आता है।